मिट्टी और खपड़े के इस घर में लोगों की आस पलती है। लोगों को उम्मीद है कि जब वो सबसे अधिक पीड़ा में होंगे तो इस घर में रहने वाली बिंदु उन्हें मदद करेगी। दरअसल ये घर एक ऐसी महिला एएनएम का है जिसने शहर की चकाचौंध और मोटी सैलरी को छोड़कर इस गांव में रहने का संकल्प किया। गांव की इस बेटी पर सबको नाज है। इस परिवार को हर कोई बड़ी ही श्रद्धा से देखता है। दरअसल सिल्ली प्रखंड के हलमात पंचायत के लोगों को भरोसा है कि जब भी उन्हें स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो उनके पंचायत का अस्पताल उनके लिए खुला होगा, चाहे वो रात के 12 बजे हो, छुट्टी हो या कोई पर्व का दिन। ये विश्वास लोगों को बिंदु ने दिया है। कई महीने के अथक प्रयास के बाद जो विश्वास की डोर बंधी है अब वो अटूट हो गया है। लोग इसी को विकास का सिल्ली मॉडल बता रहे हैं। आज जैसे कि यहाँ हम लोग हॉस्पिटल आ जाते तो कभी हम लोग हॉस्पिटल बंद नहीं रहता है। जैसे कि किसी अथी में सिल्ली उल्ली चल जाती दीदी तो फोन करते हैं, कोई भी दीदी रह जाती, दो दीदी रहती है। और यहाँ डिलीवरी तो सब चीज़ का सुविधा है, सब चीज़ बेड उड का है, सब कुछ किया। और सामने ऐसे होती है कि हम लोग को घर वाला भी आदमी को आने जाने का सुविधा होता है, जो नाश्ता जो भी खान पान के लिए हम लोग को सब कुछ सुविधा यहाँ होता है। सिल्ली अभी सब कुछ मिलता है, बच्चा को टीका भी लग जाता है। आज जैसे कि सुबह आ जाते तो दिन भर भी रहते हैं, रात भी रहते हैं हम लोग एडमिट। दीदी बोलती है कि यहाँ से मत जाना है, आप लोग का रास्ता ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। तो उसके बाद डिलीवरी हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग 24 घंटा में छुट्टी रहता है। फिर हम लोग कागज बना के, ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो दीदी चेक उक कर लेती है, उसके बाद नहीं हम लोग को एम्बुलेंस मंगवा देती है सिल्ली से, उस समय भेजा देती है। बिंदु तो बहुत अच्छे काम करती है हम लोग हलमात पंचायत में, और डिलीवरी बहुते की है और अकेले सब संभाल लेती है बिंदु ने। काम तो हम लोग सब जानकार में हैं कि हम लोग के गांव से है बिंदु, तो अच्छी काम करती है और इसका प्रचलित है कि माने डिलीवरी तो बहुत अच्छी से कर रही है, ये नॉर्मल करती है। हलमात पंचायत में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहले दूसरे सरकारी भवनों की तरह ही सिर्फ बनकर खड़ा था। स्थानीय विधायक की मदद से वहाँ पर आधारभूत संरचना तो पहुँच गई, लेकिन इन्हें चलाता कौन? लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने संविधा के आधार पर विज्ञापन निकाला। सुदेश महतो ने आसपास की गांव की लड़कियों से आग्रह किया कि अगर किसी ने एएनएम की पढ़ाई की हो और वह कहीं सेवा दे रही हो तो आगे आए। गूंज परिवार और स्वास्थ्य विभाग की खोज बिंदु पर आकर रुक गई। राजधानी के बड़े अस्पताल में काम करने वाली बिंदु ने अपने गांव के लोगों के लिए मोटी सैलरी की नौकरी छोड़ दी और गांव में सेवा देने लगी। अब बिंदु का परिवार इस अस्पताल को अपना अस्पताल समझता है। परिवार के सदस्य अस्पताल को साफ सुथरा करते हैं और बिंदु वहां पहुंचने वाले मरीजों की सेवा। अपने काम में बिंदु इतनी दक्ष है कि रामगढ़, गोला और बंगाल से भी लोग इस पंचायत के अस्पताल में आकर बच्चे को जन्म देते हैं। कोरोना काल हो या फिर बच्चे की टीका की बारी, दिन रात ये अस्पताल खुला रहता है। अपनी सेवा में तत्पर बिंदु लोगों की मदद करती रहती हैं। अपने काम से बिंदु ने इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि ना सिर्फ आसपास के पंचायत के लोग बल्कि कई प्रखंड और दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। बिंदु ने पिछले 6 महीने में 100 से भी अधिक महिलाओं का सफल प्रसव कराया है। लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहर या प्रखंड के अस्पताल में नहीं जाना पड़ता है। दवा से जांच तक की व्यवस्था यहां मुफ्त में हो जाती है। बिंदु कहती हैं कि गूंज जैसी संस्था की वजह से ही कई गरीबों का सरकारी सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। सर, हमको पहले से ही सोच था कि हम नर्स का पढ़ाई करें और नर्स बन के काम करें, लेकिन जब हम पढ़ाई करने लगे और पढ़ाई करते करते नर्स का मतलब जो छोटा क्लिनिक होता है उसमें हम ट्राई किए तो हमको काम करने में अच्छा लगा, लेकिन हमको उतना पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो सर, एक सर थे तो बोले कि तुम अच्छा से पढ़ाई भी करो और एक डिग्री ले लो तभी जाके कुछ कर पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसे करके बोले। तो हम घर में समझाएं माँ बाप वालों को, हमको करना है तो हमको कहीं से पैसा अरेंज करके दीजिए, हम एनएम करेंगे तभी डिग्री हासिल होगा, तब हम पढ़ाई कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। कह के हम पढ़ाई किए, तो हम पढ़ाई किए हैं केजीबी के रांची से, एनएम का ट्रेनिंग किए 2 साल का, उसके बाद हम वहीं से जो प्लेसमेंट मिलता है उसमें हम वहीं रह गए रांची में ही अरगोड़ा चौक में, और वहीं 2 साल हम काम लगातार किए। उसके बाद मेरा तो बहुत ज़्यादा पहले 2012 से ही हम काम कर रहे थे तो एक्सपीरियंस हो गए थे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ रांची में ओटी असिस्टेंट का काम करते थे। उसके बाद मेरा पापा जो यहाँ विधायक जी यहाँ भाषण किए थे कि इस तरह का लड़की है तो हमको दीजिए, यहाँ हॉस्पिटल खुला है करके, तो मेरे पापा हमको फ़ोन करके बताए, तो हम बोले ठीक है पापा, हम डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा कर देते हैं, देते हैं इस तरह का, हम बोले बात हुआ।
उसके बाद फिर बात की, पेपर पर जमा की हैं। उसके बाद सर लोग को भी बोले कि हम काम करने में ये हैं कह के सहमति हैं। उसके बाद विधायक जी से इनॉग्रेशन दिन में ही हमको बुलाया गया और इंटरव्यू लिए, सर कितना डिलीवरी कराते हैं क्या कराते हैं ऐसे कह के, और हमको 2 महीना में 4 केस दीजिए कह के बोले। तो हम 1 महीना में 16 केस दिए उसको। मतलब पंचायत में तो 8 गांव है, लेकिन 8ों गांव यहाँ शामिल होता है। ओपीडी तो बोलना ही नहीं है, ओपीडी 30 से 36 तक ओपीडी हो जाता है एक दिन में। बिंदु ने कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है, वे भी ऑपरेशन की मदद से। डॉक्टरों ने बिंदु को आराम करने को कहा है, लेकिन काम के प्रति उसकी निष्ठा देखिए। जैसे ही रामगढ़ की एक गरीब महिला वहां इलाज के लिए पहुंची, बिना अपनी और अपने बच्चे की चिंता किए बिंदु अस्पताल पहुंच जाती हैं। बिंदु का काम देख स्थानीय विधायक भी कहते हैं कि अगर हर पंचायत में ऐसा अस्पताल हो जाए जहां लोगों का अटूट भरोसा जुड़ा हो, तो आज भी गांव की आबादी शहर की ओर रुख नहीं करेगी और हमारा गांव खुशहाल होगा। बिंदु की इस सफलता को देख गूंज परिवार ने उसे इलेक्ट्रिक स्कूटी देकर भी सम्मानित किया। बिंदु ने तोहफा पाकर कहा है कि अब अस्पताल भी मरीज तक पहुंच जाएगा। 100 प्रसव वो करा चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस क्षेत्र के ग्रामीणों को बहुत ही वहाँ पे सुविधा मिल रही है, हर तरह का सुविधा। अगर किसी को ग्रामीण को अगर बुखार है तो वहाँ पे दवा की भी कमी नहीं है, उन लोगों को जाने से दवा उपलब्ध किया जा रहा है और टीका आपका कोविड के समय में वहाँ पे टीकाकरण पूरी 100% टीकाकरण उस हमारे हलमात पंचायत में हुआ था और घोषित भी किया गया था। सबसे पहले 20 पंचायत में हमारा हलमात पंचायत पूर्ण घोषित उसी को किया गया था फर्स्ट। इसी संदर्भ में मैंने जो अपना हेल्थ सेंटर से लिए है, इनके साथ कई दौर का बैठक हुआ और बैठक करके मैंने अपने जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। अब देखेंगे, उनको तो कलर वलर करके ठीक कर देते हैं, लेकिन उसमें हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे व्यवस्था चाहिए। और हमने उस व्यवस्था पर जोर दिया कि मुझे डॉक्टर्स वहाँ चाहिए, मुझे नर्सेस चाहिए, मुझे दवा चाहिए। तो इस पर जब हम लोग फोकस एक मॉडलिटी पर फोकस किया तो मैंने सीमित संसाधन के अंदर मैंने हलमात को एक सबसे पहला लिया और उसकी जो भी आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट था, उसको किसी को पंचायत से, किसी को ब्लॉक स्तर पर, किसी को हमारे स्तर पर, हम लोग ने उसके संसाधन को पूरा किया और हमने एक समर्पित ANM की बहाली की। गवर्नमेंट ANM वहाँ थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उस परिस्थिति में हम लोगों ने यहाँ लोकल जो बच्चियाँ यहाँ से जाके बाहर सेवा कर रही हैं, किसी बड़े अस्पताल में सेवा कर रही हैं, उनको मौका दिया कि आप अपने घर की सेवा कर सकती हो। इसी में से बिंदु, जिसको आपने कल देखा, जिनको एवाडी जो हमारी हुई है, वो बिंदु आगे आई और बोले कि मैं ये काम करूँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, समर्पण का ये लेवल है कि खुद झाड़ू से लेकर ऑपरेशन तक का काम वो खुद करती है, उसका परिवार उसके पीछे है, हम लोग सब उसके पीछे हैं। और उसी का परिणाम है कि 1 साल के अंदर 100 से ज़्यादा वो डिलीवरी का केस वो अपने हाथ से निपटा रहा वहीं पर की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहाँ 24 घंटा वहाँ जलने वाला बिजली ही उस 5,000 आबादी उस पंचायत को एक विश्वास देता है कि मेडिकल ई में कभी भी कोई ज़रूरत अगर रात बिरात कभी भी हो जाए, ये हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए बैठा है। ऐसा सरकारी संस्था आप कहीं नहीं देख पाएंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www